फाइनली भाई योगा के साथ साथ होम जिम पे अपनी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है, बट वीडियो बना ली जाए वरना एक्सरसाइज के चक्कर में आज की वीडियो ही रह जाएगी। ये है भाई मेरी लाइफ का फर्स्ट निंटेंडो स्विच, जो कि क्या है, ओलेड वाला वेरिएंट। मैंने बचपन में लगभग 4-5 साल की उम्र से जो है गेमिंग करना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी अलग अलग कॉन्सोल्स पे गेमिंग करी, काफ़ी सारे कॉन्सोल्स को ओन भी किया, जैसे कि PS1 हो गया, PS2 हो गया, PS3 हो गया, PS4 हो गया, PS5 भी हो गया। इसके अलावा एक्सबॉक्स के भी एक दो कॉन्सोल्स को मैंने ओन किया है, खेला भी है उन पे गेम, बट कभी भी निंटेंडो पे ना तो गेमिंग करी, ना ही मैंने इसको कभी भी खरीदा अपने लिए। सॉरी, खेला तो मैंने हुआ है इस पे, बट कभी भी रखा नहीं अपने पास पर्सनली। लेकिन लास्ट 25-30 दिनों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो भाई इस चीज़ पर 30 से 40 हज़ार रुपये अपने वेस्ट मत करना। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं। इसे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, गेमिंग से रिलेटेड खतरनाक कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। सबसे पहला बड़ा रीज़न क्यों आपको निंटेंडो स्विच में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यार इंडिया में निंटेंडो का कोई भी सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे कि प्ले स्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट अपना एक्सबॉक्स इंडिया में बेचता है ऑफिशियली, जिसकी आपको प्रॉपर वारंटी मिलती है, प्रॉपर एक्सेसरीज मिल जाती है, गेम कलेक्शन आराम से मिल जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। बट निंटेंडो के केस में ऐसा नहीं है। ऑफिशियली इंडिया में निंटेंडो आज तक लॉन्च नहीं हुआ है। जितने भी ये पीसीज आप इंडिया में बिकते हुए देखते हो ना भाई, ये सारे के सारे इंपोर्टेड है, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं, US से, कनाडा से, या ज़्यादातर तो दुबई से, UAE में ही है ना। तो इसमें आपको नुकसान क्या होता है, चलो महंगा तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ ना आपको इसकी वारंटी भी नहीं मिलती इंडिया में। मान लो मैं ये 38,000 की चीज़ खरीद लाया और ये ख़राब हो गई 10 दिन बाद, तो इसकी कोई वारंटी नहीं है भाई, बस आपको वो शॉपकीपर जो है वो चेक करके दे देंगे। उसके बाद ख़राब हो, कुछ हो, चले ना चले, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। और ख़राब हो जाते तो पता ही है आपको, निंटेंडो का सपोर्ट इंडिया में है नहीं। साथ ही साथ जो चांदनी चौक जैसी मार्केट है, करोल बाग जैसी मार्केट है, वहाँ पर भी इनके पार्ट्स नहीं मिलते, रिपेयरिंग प्रोसेस बहुत लंबा है, कभी कभी तो रिपेयरिंग होती भी नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नीशियन इंडिया में नहीं बैठे हुए हैं। तो दो ही केस बचते हैं, या तो जिस कंट्री का ये पीस है वहाँ जाके रिपेयर करवाओ, या फिर वहाँ का ऑफिशियल बिल होना चाहिए आपके पास। इसलिए इंडिया में ये खरीदना एक तरह से रिस्क लेने वाली बात है, क्योंकि चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, बट इतनी जल्दी चीज़ें खराब होती नहीं है, कंपनी की चीज़ें है भाई। जैसे प्ले स्टेशन भी इम्पोर्ट होकर बिकती है इंडिया में, तो डब्बा पैक लो, सील पैक लो, शॉपकीपर के सामने खोलो और वहाँ पे चेक करके लाओ, फिर उसके बाद ख़राब होता है तो वो आपकी किस्मत है। अलावा यार, क्योंकि आपका कंसोल जो है वो इम्पोर्टेड है, तो आपको जो इसके अंदर चार्जर मिलेगा ना, वो भी भाई उसी कंट्री का मिलेगा प्लग, ये इंडियन सॉकेट्स में डायरेक्ट नहीं लगते, तो इसके लिए आपको एक अडेप्टर लेना पड़ेगा, तभी ये इंडिया में काम करेगा। बट ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अडेप्टर 50-60 रुपये का आ जाता है। अच्छा, एक मैंने इसका आपको डिसएडवांटेज तो बता दिया, लेकिन एक दो ना इसके, एक दो नहीं एक्चुअल में काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी है, तो उसके बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए, वरना निंटेंडो फैंस जो है वो गुस्सा हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ भाई, क्योंकि ये एक हैंडहेल्ड कंसोल है, तो आपको ये नहीं कि टीवी के आगे ही बैठ के गेमिंग करनी है या घर पे रह के गेमिंग कर सकते हो, जैसे पीसी है या फिर कंसोल है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक सेटअप चाहिए। बाहर आप कहीं भी गाड़ी में चलते फिरते नहीं कर सकते हो, लेकिन इसकी मदद से आप वो सब कुछ कर सकते हो। और काफ़ी सारे इसमें ऐसे टाइटल्स भी हैं जिसमें आपको कंसोल लेवल की जो है वो क्वालिटी या ग्राफिक्स मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस वैसी नहीं मिलेगी, उसकी बात हम करेंगे डिसएडवांटेजेस में। बट हाँ, ऑन द गो अगर आप यूज़ करना चाहते हो, फ्लाइट में, गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, तो मैंने भी इसीलिए लिया है सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि मेरे पास लगभग सारे कॉन्सोल्स हैं, एक गेमिंग पीसी भी है तगड़ा सा, बट जब मैं कहीं बाहर ट्रिप पे जाता हूँ ना, उस टाइम पे जब गेमिंग की वो तलब होती है ना, तो वो मोबाइल बुझा नहीं पाता, तो इसको मैं अब ले जाया करूँगा, थोड़ी बहुत तलब तो ये मिठाई देगा। सेकेंड एडवांटेज है, क्योंकि इसमें अपनी खुद की स्क्रीन है, तो आपको टीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको टीवी पे या मॉनिटर में आँखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि आँखें तो आप इस पे भी फोड़ोगे, बट लेटे हुए आराम से है ना, उसमें भी आप खेल सकते हो, शोर नहीं मचेगा, ईयरफोन लगा लो, मस्त इंजॉय करो, किसी और को डिस्टर्ब करे भी ना, तो वो भी एक इसका एडवांटेज है। तीसरा, इसकी गेम्स कलेक्शन भी, जो इंडी गेम्स होती है ना, वो काफ़ी अच्छी अच्छी है, मतलब AAA टाइटल्स नहीं कहूँगा मैं, बट वैसे कलेक्शन वास्ट है इसका, काफ़ी बड़ा है। बट इंडिया में आपको वही है, मिलेगा नहीं, इंपोर्टेड वाली चीज़ें मिलती है, तो दुकानदारों के पास भी गिनी चुनी गेमें होती है, कहोगे तो लोग मंगवा देते हैं, बट वही है, वेटिंग टाइम है। जैसे दूसरी कंट्रीज में तो आपको बड़े बड़े स्टोर मिल जाएंगे प्रॉपर निंटेंडो की गेम्स एंड एक्सेसरीज़ के, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होती, बट इंडिया में दिक्कत हो जाती है ये। तो ये एडवांटेज भी हो गया, डिसएडवांटेज भी हो गया।
अरे शिट यार, एक्सरसाइज तो कर ली थी बट पोस्ट वर्कआउट लेना भूल गया जल्दीबाजी में। आपको तो पता ही यार हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन कितना ज्यादा जरूरी है। तो रिसेंटली मैंने वाउ लाइफ साइंस का प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना शुरू किया है, जो कि के चॉकलेट फ्लेवर में आता है, पर्सनली मेरा फेवरेट फ्लेवर। इस प्लांट बेस्ड प्रोटीन में है PN ब्राउन राइस प्रोटीन, जो हेल्प करता है आपकी मसल को सपोर्ट करने में एंड आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ आपके डेली वर्कआउट के बाद ये हेल्प करता है मसल मास को बिल्ड करने में भी। इसके अलावा इसमें आपको पेपेन एंड ब्रोमिलियन एंजाइम्स मिल जाते हैं, जिसमें से जो पेपेन है ना वो आपकी बॉडी में एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है एंड ब्रोमिलियन है वो हेल्प करता है बेटर डाइजेशन में। और इतना ही नहीं, इसमें आपको ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी मिल जाते हैं, जो कि के भाई बेस्ट सोर्स है एंटी ऑक्सीडेंट का। साथ ही साथ इसमें है पम्पकिन सीड एक्सट्रैक्ट, इसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन है इंक्लूडिंग योर प्रोटीन। बाकी इसमें भाई आपको हिमालयन पिंक सोल्ट भी मिलता है, जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है पोस्ट वर्कआउट। वैसे अभी खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर फ्लैक्स सीड भी है। ये एक फैटी एसिड होता है जो आपकी बॉडी का ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ये ना आपको अपनी डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारी डेली डाइट के अकॉर्डिंग। और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर एक स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है, जिससे आपकी बॉडी का न्यूट्रिशनल गैप पूरा होता है एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ भी काफी अच्छी रहती है। मेरे को तो सबसे बढ़िया बात लगती है कि भैया टेस्ट में बहुत बढ़िया चॉकलेट फ्लेवर है, तो पीने में मजा सा आ जाता है। आप इस प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का ना एक स्कूप कोल्ड वाटर में मिक्स करके शेकर की हेल्प से अच्छे से शेक करके कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप आप अपने ब्रेकफास्ट बाउल या योगर्ट में भी मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हो। और साथ ही साथ प्रोटीन पाउडर का ना कुछ भी डिश बना सकते हो, जो कि ये काफी हेल्दी भी है एंड फुल ऑफ प्रोटीन भी। मैं तो कहूंगा भाई आप बिल्कुल ट्राई करो इसको। साथ ही साथ भाई ये 100% वेगन है एंड ग्लूटेन फ्री, सोय फ्री, शुगर फ्री एंड डेयरी फ्री भी है। ये FSSAI, ISO एंड GMP सर्टिफाइड है और इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल फिलर्स, बाइंडर्स या फ्लेवर नहीं होते। तो यार इसलिए आप भी अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ स्क्रीन पे कूपन कोड आ रहा होगा अनमोल जायसवाल 20 के नाम से। अगर आप ये यूज करते हो वाओ की ऐप में तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। तो भाई देर किस बात की, बी वाओ नेचुरली। थर्ड चीज है, अगर आपको भाई क्वालिटी में गेमिंग खेलने का मजा चाहिए या फिर हाई FPS चाहिए, 4K चाहिए, तो वो चीज़ें भाई आपको निंटेंडो पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक आपको कॉन्सोल या फिर प्रॉपर गेमिंग PC ही ऑफर कर सकता है। इसमें जो है भाई वो क्वालिटी अच्छी है, OLED वाले वेरिएंट में तो स्पेशली ग्राफिक्स एनहेंस हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, बट कॉन्सोल लेवल की आपको स्मूथनेस एंड वो सब चीज़ें कभी भी नहीं मिलेगी। 4K 60 में खेलना, 4K 120 में खेलना, वो आप नहीं खेल सकते हो। अगला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि भाई अगर आपको AAA गेम्स खेलने का शौक है ना, गॉड ऑफ वॉर जैसी, अनचार्टेड हो गई, लास्ट ऑफ अस हो गई या और बड़ी बड़ी गेम्स, तो वो आप भाई, या कॉल ऑफ ड्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपको निंटेंडो स्विच में देखने को नहीं मिलेगी। इसमें उस तरह की कोई गेम लॉन्च नहीं हुई है, फ्यूचर में होगी नहीं होगी किसी को नहीं पता, बट अभी तक आपको कोई भी गेम्स का सपोर्ट नहीं मिलता है इसमें। इसलिए मेरे को लगता है ये डिसएडवांटेज है। अगर इसमें, चलो गॉड ऑफ वॉर तो प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव है, लास्ट ऑफ अस भी, अनचार्टेड भी, बट जो एक्सक्लूसिव नहीं है, जो एक्सबॉक्स में भी मिलती है, PC में भी मिलती है, उस टाइप की गेम्स इसमें आ जाती है ना, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, PUBG जैसी गेम हो गई, PUBG जो PC की है या प्लेस्टेशन की है, तो उस टाइप की गेम्स होनी चाहिए थी भाई, तो मजा आ जाता। ये एक डिसएडवांटेज है इसका। इसके बाद जो लास्ट भाई डिसएडवांटेज है ना, वो सबसे मेजर है और वही मेरे ख्याल से डील ब्रेकर है। मतलब बाकी सब चीज़ें तो मैं चलो संभाल सकता हूँ कि AAA गेम्स खेलनी है कॉन्सोल में खेल लूँगा, 4K खेलना है PC में खेल लूँगा, बट अगली जो चीज़ है ना भाई, वो है परफॉर्मेंस की या स्मूथनेस की, वो आपको ना इस कॉन्सोल में कभी भी नहीं मिल पाएगी। मतलब मैंने काफ़ी सारी गेम्स ट्राई करी है अलग अलग, उन सब का मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि क्या दिक्कत मैंने फेस करी है और क्या परेशानी आती है। मतलब अगर मैं कॉन्सोल से इसको कंपेयर करूँ ना, तो भाई मज़ा नहीं आता, बहुत लैगी सा एक्सपीरियंस, अटकापन सा गेम प्ले में आता है, जिससे कि पूरा एक्सपीरियंस ना ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकते हो कि हाँ इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं उसके साथ में, तो फिर दिक्कत नहीं है। बट बात करते हैं भाई गेमिंग की ज़रा। अच्छा, गेम की बात हो ही रही है तो ना, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि निंटेंडो के सर्वर इंडिया में नहीं है, तो अगर आप इनका स्टोर खोल के गेम खरीदना चाहते हो ना, तो भाई स्टोर भी बहुत लेट खुलता है। मतलब कि लोडिंग होने में भी देखना कितना टाइम लग जाएगा, जबकि मेरा इंटरनेट इतना ज़्यादा तेज़ है ना, क्या बताऊँ आपको। ये देखो, ये लोड होता ही रहेगा 1.5-2 मिनट तक कम से कम। तो यार मुझे ये कहीं ना कहीं लगता है कि आपका एक्सपीरियंस ना थोड़ा बेकार कर देता है, इंटरनेट आपका जितना भी तेज़ हो, बट ये अपने हिसाब से ही लोड होगा। सेम चीज़ देखो, गेम डाउनलोड होने में भी ना घंटे लग जाते हैं। ये मेरे ख्याल 1.5-2 GB के आसपास डेटा होगा सिर्फ, और 2 घंटे दिखा रहा है, जबकि दिखा रहा है होगा ये 3-4 घंटे में। और यही मैं आपको अगर अपनी इंटरनेट स्पीड दिखाऊं ना, तो डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड देख लो, कम से कम 200-250 MB आ जाती है आराम से। इसलिए कोई भी गेम मुझे डाउनलोड करनी है, या मैं इसका कार्ड भी लगा के जो डाउनलोड ऑप्शन
होता है वो यूज़ करता हूँ, तो भाई रात पूरी रात ही निकल जाती है एक तरह से, क्योंकि अभी GTA ट्रायोलॉजी आई थी उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तीनों गेम्स को डाउनलोड होने में पूरी रात निकल गई, मेरे बाल तक उड़ गए मतलब जब जाके डाउनलोड हुआ सोच लो। बाकी यार चलो डाउनलोड तो एक ऐसी चीज़ है आपको रात को लगा के छोड़ दिया सुबह तक मिल जाएगी हुई हुई, तो इतना बड़ा ये डील ब्रेकर नहीं कह सकते। बट जो मैं एग्जैक्ट डील ब्रेकर की बात कर रहा था ना वो थी गेम की परफॉर्मेंस। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ एक एक करके गेम सारी। सबसे पहले तो GTA ट्रायोलॉजी की बात कर लेते हैं, जो इसका डेफिनेटिव एडिशन आया रीमास्टर्ड होकर, जिसमें सैन एंड्रियास, वाइस सिटी एंड GTA 3 है। तो जब मैंने GTA सैन एंड्रियास खेली वो शुरू शुरू में मुझे स्मूथ लगी, लेकिन दो तीन मिनट के गेम प्ले के बाद जैसे ही ज़्यादा गाड़ी आ जाती थी, जैसे ही घास आ जाती थी या ज़्यादा ग्राफिक इंटेंस वाली गेम प्ले शुरू होती थी ना, तो वहाँ पर जो है वो लैग होना शुरू हो जाता था गेम। सेम मैंने चीज़ वाइस सिटी में भी नोटिस करी, बहुत लैग हो रहा था कई कई जगह पे, इतने ज़्यादा ग्लिचेस थे, मतलब मेरा बंदा दीवार में घुस गया, पानी में डूब रहा है तो अजीब सा लग रहा है, मैं गाड़ी पे डंडा मार रहा हूँ तो गाड़ी टूटने की शेप ही अजीब सी आ रही है। एंड एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हुआ GTA 3 में भी, वही लैग आ रहा है। मतलब इतनी, ये तो ऐसी गेम है भाई मोबाइल फ़ोन तक में तगड़ी चलती है इतनी स्मूथ, अगर मेरा वन प्लस ले लो, आईफोन ले लो, बट इसमें इतनी दिक्कत दिखा रही है और वो भी कितने 35-38 हज़ार के कंसोल में। तो मुझे ऐसा लगा यार 4-5 हज़ार रुपये वेस्ट करना हो गया उस गेम पे, क्योंकि ना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है इतने पैसे भी भर दिए और ढंग से मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ गेम को इतना महंगा कंसोल लेने के बाद भी, तो फिर फ़ायदा क्या। अच्छा मुझे पर्सनली ना क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, बचपन से मैं खेलता आया हूँ और साथ ही साथ क्रिकेट की गेम्स खेलने का भी शौक है। मैं क्रिकेट 19 बहुत खेलता था PS5 में अपनी, बट जब मैं जैसे कि बताया ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ पर याद आती है गेमिंग की तलब मस्ती है, तो मैंने सोचा यार इसको लेना चाहिए, इसमें क्रिकेट 19 थी, तो मैं कह रहा क्रिकेट 19 खेला करूँगा भाई फ्लाइट पे बैठ के, गाड़ी में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, बस में बैठ के, होटल रूम में बैठ के। बट उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो भाई जो गेम की लोडिंग स्क्रीन है ये इतना टाइम ले लेती है, मतलब मेरे PS5 में तो ये 3 सेकंड भी नहीं लगते होंगे और जो PS4 था उसमें लग जाते थे 15-20 सेकंड, बट इसमें तो भाई 2-3 मिनट तक ये लोडिंग ही चलती रहती है, गेम आगे बढ़ती नहीं है। अब चलो गेम स्टार्ट हो भी जाती है उसके बाद देखना कितना लैगी एक्सपीरियंस है, ये देख रहे हो ऐसा लग रहा है भाई ये मैं एडिट नहीं कर रहा वीडियो को स्लो करके, तो कितना ज़्यादा अटक रहा है हद से ज़्यादा, मतलब ये स्मूथनेस बिल्कुल मिसिंग है इस कंसोल में। यहाँ पर देखो अभी ये वाला फ्रेम बिल्कुल स्मूथ आ रहा है, कोई नहीं चलो टॉस वॉस हो जाएगा सब सेट है, इसको स्किप करते हैं। यहाँ भी देखो हल्का सा अटका बना रहा है, ये तो स्मूथ है चलो कोई दिक्कत नहीं। अब टॉस हो गया ना, देखो ये वाला कैमरा एंगल कितना ज़्यादा अटक रहा है भाई हद से ज़्यादा, ओहो मतलब बिल्कुल भी स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं है भाई, मज़ा सा ख़राब हो गया जब मैंने फर्स्ट टाइम क्रिकेट इसमें खेली ना, ये देखो कितना अटक रहा है। ये एनिमेशन में अटकता है, जब गेम प्ले करो ना आप गेम प्ले स्मूथ रहती है, लेकिन उसके बीच में जब आपको रीप्लेस दिखाए जाते हैं वो भी बहुत अटकेंगे, अभी दिखाता हूँ वो भी। चलो ये देखो विकेट हो गई है, यहाँ पे कैच ले ली है, अब इसके बाद जो रीप्लेस आएंगे या फिर जो सिनेमैटिक्स आएंगे ना कट प्ले, वो कितना ज़्यादा, नो डाउट भाई शक्ले वकले ग्राफिक्स तगड़ी है, देखो मिस्टर स्टार्क बिल्कुल सेम लग रहा है, बट ये देखो यहाँ पे ये लैग होने का जो एक्सपीरियंस है ना, ये तो चलो फिर भी ठीक है, थोड़ा आगे आपको दिखाता हूँ लग रहा है ना, ये देखो कितना भाई अटकापन सा है। मेरे हिसाब से ना इतने महंगे कंसोल में ना ये अटकापन शोभा नहीं देती, इसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर दिया जाता ना भाई दिक्कत नहीं होती। अब शायद से क्रिकेट 22 आ रही है, 3 दिसंबर को लॉन्च है उसका कंसोल में, और निंटेंडो में जनवरी में आएगी 2022 में, तो देखते हैं वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, कैसा रहता है सी। नो डाउट भाई गेम प्ले बहुत तगड़ा है, इतनी छोटी स्क्रीन में आपको ऐसे ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं मज़ेदार से, मतलब स्टार को मैं छक्का लगा सकता हूँ, चौका लगा सकता हूँ, अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, बट वो लैग वाला पार्ट हट जाए तो मज़ा सा आ जाए। देखना ये देखो कितना ज़्यादा लैग है भाई। इसी तरह से बड़ी बड़ी जितनी अच्छी अच्छी गेम्स है ना वो सारी की सारी लैग करती है भाई, जो मर्जी आप खेल के देख लो। फिलहाल तो मैंने FIFA 22 ले रखी है, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं करी, अगली वीडियो शायद से यही आएगी, देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कि क्रिकेट की तरह कहीं अटके ना, क्योंकि इतनी महंगी गेम लेकर भी और लेटेस्ट गेम लेके FIFA 22, वो भी अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो फिर तो क्या ही करना। अब इसमें अगर ये मारियो जैसी गेम्स की बात करी जाए ना, तो इनके ग्राफिक्स भी बहुत तगड़े हैं और भाई बहुत अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्रॉपर ही जो है ना ऑप्टिमाइज्ड है भाई निंटेंडो के लिए, और इतनी ये हाई ग्राफिक्स वाली गेम नहीं है कि डिमांड कर रहे हैं आपका पूरा हार्डवेयर लग गया इसके पीछे। तो ऐसी गेम्स खेलने का अगर आपको शौक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से जो है वो गेम प्ले एंजॉय कर पाओगे, बड़े टाइटल्स में नहीं कर पाओगे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यार ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात, देखा आपने काफ़ी ज़्यादा लैग ग्लिचेस बग्स बहुत सारे हैं। अब ये मुझे पता कि निंटेंडो में ही दिक्कत है, मतलब हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, या फिर जो गेम्स का सपोर्ट है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है निंटेंडो के लिए,
जैसा भी है आपको जो पता है वो चीज़ है नीचे कमेंट सेक्शन बताना ताकि लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट निंटेंडो है तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है इस पर्टिकुलर कंसोल के बारे में। इसके अलावा एक और मैं डिसएडवांटेज इसका ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह से ये इंडिया में आपको 35,000 से 40,000 के बीच में मिल रहा है ओलेड वाला वेरियंट, जो मेरे हिसाब से वर्थ इतना नहीं है। इसका जो नॉर्मल वाला वेरियंट है ना उसमें गेमिंग आप वैसे ही कर सकते हो, बस थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क आता है डिस्प्ले की, वो आपको 25,000 से 26,000 में मिल जाता है। बट अगर आप सोचो इस चीज़ पर 35,000 से 40,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो आप 40,000 में तो भाई एक PlayStation 5 ले सकते हो जो अपना डिजिटल वाला वेरिएंट आता है, और 10,000 एक्स्ट्रा मिला होगा तो PS5 आपको फिजिकल डिस्क वाला वेरिएंट मिल जाएगा 50,000 रुपए में, है ना। मतलब फर्स्ट कंसोल ले रहे हो तो PlayStation ही लो भाई, या ये गेमिंग पीसी लो, इसको मत लो, ज्यादा ही पैसे है, सारे कंसोल है, सारे पीसी है, और ट्रैवलिंग के लिए आप गेमिंग करना चाहते हो ट्रैवल करते करते तो आपके लिए ये बना हुआ है। और इसमें भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा नॉर्मल वाला स्विच ले लो, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू रखती है मुझे 25,000 की, ये 35-37,000 में इतना जस्टिस नहीं कर रहा है ट्रिपल ए गेम्स के साथ। ट्रिपल ए मतलब जैसे फीफा मैंने आपको दिखाई, या GTA ट्रायोलॉजी दिखाई, और इसके अलावा मैंने आपको क्रिकेट 19 दिखाई थी, उसमें भी आपने देखा काफ़ी सारे ग्लिचेज और लैग्स थे। तो ये सारा सीन था भाई। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर कर दे करो, नए हो चैनल पे और गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबा लेना, और वाओ के प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय।